तो गाइज पिछली बार हमने देखा था कि यूजर साइन अप कैसे करेगा और उसका एपीआई हमने बना लिया था। ठीक है, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यूजर को लॉगिन वाला एपीआई बनाएंगे, यूजर का लॉगिन एपीआई। ठीक है, तो ऐप डॉट पोस्ट, ये भी पोस्ट होगा हमारे पास, ये न्यू टैब में खोल लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे पोस्ट रहेगा हमारे पास, यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 3000 स्लैश डॉमेन, ये वाला रहेगा हमारे पास। फिलहाल पोस्ट करोगे तो कैन नॉट पोस्ट या लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट स्लैश पहले में पाथ लॉग इन। पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना ताकि आपको समझ में आए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये दो चीजें रिटर्न करता है हमारे पास एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक है, अब कंसोल के साथ लॉग करके एक बार चेक कर लेते हैं, वर्किंग लॉग इन पाथ। ठीक है, अब एक बार सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है वर्किंग लॉग इन पाथ, इसको कैंसिल करो। अरे बस, ठीक है। अब सेम जैसे साइन अप में हमने डेटा लिया था, तो वैसे ही एक डेटा करके एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि तो इसी से लॉगिन करवाएंगे हम लोग। तो डेटा डॉट ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पासवर्ड। ठीक है, और सेम देखो लॉगिन करने का तरीका क्या है गाइस। लॉगिन करने का तरीका ये है कि हम डाटाबेस में चेक करेंगे कि जो भी ईमेल और पासवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और अगर करता है तो यूजर को लॉगिन करा देंगे, और अगर नहीं करता है तो भाई एरर आ जाएगा। तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। बता रहा हूं ना, एक ही एपीआई बनाना रहता है हमें, उसके बाद से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब ये कर क्या रहा है, देखो अवेट एरर आ रहा है बिकॉज ये फंक्शन के अंदर है और इसको एसिंक फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो वही ईमेल देख लेगा कि ये ईमेल है कि नहीं। ठीक है, और पासवर्ड देख लेगा, डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, वो ईमेल भी चेक करेगा और पासवर्ड भी चेक करेगा, फाइंड वन। एक ही यूजर को चाहिए फाइंड करना, और ईमेल और पासवर्ड दोनों मैच करेगा तो ठीक है भाई, कि वो जो डॉक है वो रिटर्न कर देगा हमारे पास। यहाँ पे एक बार डॉक को लॉग इन कर देते हैं, सॉरी लॉग करवा लेते हैं, और यूजर इसको रेस्पॉन्स में थोड़ा सा अलग भेजेंगे इस बार। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा कुछ एरर होने के बाद। अब यहाँ पे एक बार डॉक देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका ईमेल भेजेंगे। ईमेल क्या है, test@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड भेजेंगे, पासवर्ड है 10 10 10। किसी भी एक यूजर का चेक कर लेते हैं ना, या यूजर है ना हमारे पास ये test@gmail.com और test@gmail.com है, और पासवर्ड 10 10 0। ठीक है, तो एक है हमारे पास, एक बार सेंड करते हैं। सेंड किया हमने तो अच्छा, अगर नल है तो मतलब यहाँ पे ऊपर एरर आना चाहिए, ऊपर एरर आना चाहिए और नीचे डॉक आना चाहिए। ठीक है, अगर नल है तो एरर होगा। ठीक है, तो यूजर नॉट एग्जिस्ट आ गया ना, कि भाई डॉक नल है, यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो test@gmail.com डेटाबेस में नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे है, लेकिन ये MMM से है, तो हमें यहाँ पे MMM डालना पड़ेगा। MMM डाला, सेंड किया। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है डॉक इज नॉट डिफाइंड, ये जो डॉक है वो डिफाइन, अच्छा डॉक्स है, सॉरी 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 सॉरी, डॉक्स आना चाहिए, डॉक्स। सेंड किया तो आ गया।
मतलब ये वाला यूजर है, इसलिए ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो रिटर्न कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको पूरा डेटा नहीं रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड भी दिख जाएगा इसको और बाकी सब चीज इसको दिखा सकते हैं हम। ठीक है, तो पासवर्ड को हम अलग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो इनका काम हो गया है, यहाँ पे लिख देंगे सक्सेस। इसका फॉल्स होगा क्योंकि डॉक्स जो है वो नल है, यूजर इनवैलिड यूजर लिख देता हूँ। ठीक है, इनवैलिड यूजर अपना इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, कर दिया। इसको लिख सक्सेस ट्रू, यहाँ पे डॉक है। ठीक एक जनरेट, ठीक करके रिटर्न कर, एक तो कि आप रिटर्न करवाएंगे, ईमेल रिटर्न करवाएंगे, नाम रिटर्न करेंगे, पासवर्ड नहीं रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू डॉक। तो और इसमें डाटा मैसेज तो लिखो सर, डाटा बोल करवाएंगे, डाटा में रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, और लॉगिन करेगा तो देखो सक्सेस ट्रू आ गया, यूजर इज फाउंड आ गया, और डाटा में क्या है मतलब यूजर का डाटा क्या है, आईडी आ गया, यूआईडी आ गया, ईमेल आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, क्रिएटेड। देखो सारी चीजें सही है इसकी। ठीक है, बट ये पासवर्ड जो है ना गाइस, ये नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट पासवर्ड, पासवर्ड को स्टार 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 कुछ भी दे दो आप। तो अब जब रिटर्न होगा ना, तो ये पासवर्ड स्टार 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 आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले रिस्पॉन्स के अंदर जो पासवर्ड है डाटा के अंदर, उसको हमने मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमें जब यूजर आ जाए ना, तो एक टोकन जनरेट करना है। नेक्स्ट टाइम से उसको ईमेल और पासवर्ड तो भेजेंगे नहीं, उसको एक टोकन दे देते हैं। अब जो भी नेक्स्ट टाइम से रिक्वेस्ट करेगा ना, वो टोकन के सहारे करेगा, और टोकन से हम चेक कर लेंगे कि यही यूजर है क्या, और उसके बाद यूजर है तो उसके बाद पूरा का पूरा उसका डेटा या कुछ भी मैनिपुलेशन, जैसे नोट्स को ऐड करना, एडिट करना, रिमूव करना, ये सारा का सारा करेंगे। तो एक टोकन क्रिएट करते हैं हम लोग, और टोकन इक्वल टू यू आई डी बी4, यही यू आई डी से ही हम टोकन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, Base64 इसमें अप्लाई कर देंगे, नहीं लेकिन बड़ा हो जाएगा। छोड़ो, यही टोकन जनरेट कर लिया हमने, तो रिस्पॉन्स टोकन टोकन। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड किया तो एक टोकन भी आ गया, इसी टोकन के सहारे ये यूजर फाइंड होगा। बट चूंकि ये टोकन तो हमने जनरेट यहाँ पे किया है, ऑलरेडी डेटाबेस में तो है नहीं टोकन, यहाँ पे तो टोकन है नहीं। ठीक है, और ईमेल और इनसे तो हमें खोजना नहीं है, नहीं तो क्या रिक्वेस्ट का पता चल जाएगा अगर ईमेल और पासवर्ड से ही आप हर एक्शन परफॉर्म कराओगे। तो क्या करते हैं, चूंकि ये पासवर्ड और ईमेल तो मैच कर ही गया है, तो उसको एक रैंडम टोकन जनरेट करके उस यूजर को दे देंगे, और हर बार उसी टोकन के सहारे वो यूजर कुछ भी करेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा उस टोकन को। तो अपडेट करके एक मेथड आता है यूजर मॉडल के अंदर, तो यूजर मॉडल डॉट अपडेट मिनी अपडेट 1। ठीक है, तो अपडेट 1, और इसको अपडेट कहाँ पे करेंगे, ये जो ईमेल है इस ईमेल को ही करेंगे हम। तो डाटा डॉट ईमेल, इस ईमेल को खोजेगा वो, डाटा
कहाँ गया, ये ईमेल खोजेगा और यहाँ पे एक टोकन डाल देगा वो, ठीक है। गेट वन टोकन, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अब टोकन टोकन, ठीक है, ये मेरे हिसाब से अपडेट हो जाना चाहिए, पर इसको भी अवेट कर लो। अभी आ गया एरर, क्यों, क्योंकि ये डॉग से ये एसिंक होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार देखते हैं ये काम कर रहे कि नहीं। ओके, सेव तो करा दिया हमने, अब सेव कराने को यहाँ पे टोकन आया है कि नहीं वो देखते हैं। हाँ आ गया है, यहाँ पे टोकन आ गया, ठीक है, 702 ये टोकन है, ये टोकन आ चुका है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से इसी टोकन को हर रिक्वेस्ट में डालेंगे और कोई सा भी एक्शन परफॉर्म कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टोकन भी हो गया है और यूजर इज फाउंड भी आ गया, सारी चीजें हो गई, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब आपको गाइस पता है ये रिस्पॉन्स डॉट टोकन को भी अगर आप हटा देते हो तो भी आपका ये आएगा ही टोकन, क्यों, क्योंकि अब तो उसके अंदर इंसर्ट हो गया ना, इसलिए। बट रहने देते हैं, इसको कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉगिन का हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड गलत डाल देता हूं तो क्या आएगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ये वाला आ रहा है हमारे पास, ये डॉक्स नल आ जाता है और नल में हमारे पास इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, तो हमने लॉगिन का भी कर लिया है, लॉगिन सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम नेक्स्ट करेंगे यूजर का प्रोफाइल, यूजर का प्रोफाइल करेंगे और कुछ नहीं, उसका एक टोकन लेंगे उस बंदे का और वो टोकन से ही प्रोफाइल पूरी की पूरी निकल जाएगी हमारी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे यूजर का प्रोफाइल का एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो अगर गाइज आपको अब तक ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें नोड जेएस आपको इतना इजी समझा रहा हूं ना कि नोड जेएस, मोंगो डीबी और पोस्टमैन तीनों चीज सीख रहे हो आप, और ये सीख लिए ना तो 90% आपका नोड जेएस प्लस मोंगो डीबी आपका कवर हो गया। आपको 10% बचता है थोड़ा सा एडवांस, वो आपको अभी जानना नहीं है, अभी बेसिक जान लोगे तो एडवांस खुद ही जान जाओगे आप। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं, और ये समझ लिया तो मान लो आप कोई सा भी इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस और वीडियो पे कमेंट करो, थैंक यू।